नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और हर बार इसके पीछे की वजह उसकी उपलब्धता नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की दोषमुक्त कार्यप्रणाली ही रहती है। एक बार फिर ग्रेजुएशन के नए सत्र में नामांकन के लिए मची आपाधापी ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जहां बीए में एडमिशन लेने के छात्र जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। जरा इन छात्रों को देखिए, लोग जीएलए कॉलेज गेट के बाहर रात के अंधेरे में 2 बजे से लाइन लगाकर खड़े हैं। ये वैसे छात्र हैं जिनका नामांकन अभी तक नहीं हो सका है। विश्वविद्यालय का फरमान कि पहले आओ पहले पाओ को लेकर सभी विद्यार्थी सकते में हैं, इसीलिए लाइन लगाकर खड़े हैं कि पहले उनका फॉर्म जमा हो जाए और नामांकन की अंतिम तिथि में उनका भी एडमिशन हो जाए। अब जरा सुनिए इन छात्रों की दास्तान। 2 बजे भोर से हम लोग खड़े हैं यहीं पर गेट के कैंपस के बाहर और अभी तक खड़े हुए हैं। असलीगंज से आए हुए हैं, यहाँ पर 14 सीट लड़के के लिए है और 13 सीट लड़की लोग के लिए। 4 बजे से भोर से हैं, हम लोग का एडमिशन नहीं हो पा रहा, कल गया तो घूम के चले गए थे और ये गार्ड अंकल हम लोग के अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं और बहुत हम लोग की कठिन हो रही है। हम लोग कब से घूम कर चल दे जा रहे हैं, हम लोग का एडमिशन नहीं हो पा रही है, हम लोग 2 महीना के खड़े हुए हैं। यह विश्वविद्यालय की गड़बड़ी है या कि जीएलए कॉलेज में मची अंधेर गर्दी, इसका जवाब तो कुर्सी पर बैठे पदधारी ही देंगे, लेकिन एडमिशन के लिए मची होड़ में उग्र छात्रों का गुस्सा एक रोज पहले भी कॉलेज के प्रचार्य पर फूट चुका है, जब प्रचार्य कक्ष में पहुंचकर छात्र संगठन एबीवीपी और एआईएसएफ के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि छात्र संगठनों के दबाव में बीए के सभी संकायों में कुछ सीट जरूर बढ़ाए गए हैं, लेकिन जिस संख्या में यूनिवर्सिटी के चांसलर पोर्टल में छात्रों ने नामांकन के लिए आवेदन किया है वह बढ़ाए गए सीट से अभी भी काफ़ी कम है। ऐसे में पूरी संभावना है कि सभी छात्रों का एडमिशन तो इस सत्र में नहीं ही लिया जा सकता है। अब इस पर विश्वविद्यालय क्या रुख अख्तियार करेगा या कि छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा, इसका जवाब तो विश्वविद्यालय प्रशासन ही दे सकता है, लेकिन छात्र संगठन और नामांकन लेने वाले छात्र सभी छात्रों के एडमिशन को लेकर आंदोलनरत हैं और जीएलए कॉलेज कैंपस में डेरा जमाए हुए हैं। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चे लोग 2 बजे भोर से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, ये जीएलए कॉलेज के इतिहास में पहली बार हुआ है। यहाँ के कुलपति और महाविद्यालय प्रचार्य जो हैं ऐसो आराम से अभी घर पे सो रहे हैं, कड़कती ठंडी में रजाई के अंदर हैं, तो विद्यार्थी यहाँ लाइन में ठंड में टिड़वा रहे हैं। ये महाविद्यालय प्रशासन का बहुत बड़ी नाकामी है और विश्वविद्यालय प्रशासन की, कि छात्रों को मजबूर कर दिए हैं सुबह भोर में लाइन में लगने के लिए। अगर महाविद्यालय प्रचार और कुलपति अगर होश में नहीं आते हैं तो हम इन्हीं बच्चों के साथ उनको यहाँ से कुर्सी खाली करवा कर तालाबंदी करेंगे। हम लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के लिए हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे, उग्र आंदोलन हेतु मजबूर रहेंगे। हमें मीडिया के माध्यम से हम कुलपति और प्रचार्य को हिदायत दे रहे हैं कि अगर वो होश में नहीं आते हैं तो यहाँ इनका, अगर वो होश में नहीं आ रहे हैं तो उनको बहुत अंजाम बुरा भुगतना पड़ेगा,